दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे किसान भाइयों की 14वीं किस्त आने वाली है, जिसका सभी किसान भाइयों का बेसब्री से इंतजार है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएम किसान में हमारे किसान भाइयों की 14वीं किस्त कब आएगी, क्योंकि 14वीं किस्त की डेट घोषित हो चुकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि पीएम किसान की 14वीं किस्त किस तारीख में आएगी, तो उसके लिए आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वेलकम टू पीएम इवेंट। इसको आप जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर इनकी वेबसाइट आ जाएगी, वेलकम टू पीएम events.ncog.gov.in। बस सिंपल सा इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे आप देख सकते हैं ये पीएम इवेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। इसमें सबसे ऊपर ही आपको एक बैनर दिखाया जा रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ट्रांसफर 14th इंस्टॉलमेंट टू 8.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज एंड इंटरेक्ट विद फार्मर्स, जिसका मतलब है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 14वीं किस्त जो कि 28 जुलाई को ट्रांसफर करेंगे 11 बजे, और किसानों के साथ कुछ बात भी करेंगे। आप यहां पर नीचे भी देख सकते हैं लिखा हुआ 28 जुलाई 2023 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 14वीं किस्त हस्तांतरित करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी 8.5 करोड़ किसानों को 14वीं किस्त जो कि 2000 रुपये आता है वो ट्रांसफ़र करेंगे डीबीटी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी 14वीं किस्त आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आप सभी को जानना ज़रूरी है, और हमारे किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।